नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु भालियान। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में अर्जेंटीना की टीम को जीत हासिल हुई है। इस जीत के पीछे लोग कह रहे हैं कि मेसी का जादू चल गया, लेकिन अर्जेंटीना में सच में जीत के लिए जादू हो रहा था। मेसी और अर्जेंटीना की जीत के बाद भारत में जश्न शुरू हो गया है। अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच में फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। करीब एक महीने तक चले फीफा वर्ल्ड कप का ये फाइनल मैच अब तक का सबसे रोमांचक मैच माना जा रहा है, जहां आखिरी पल तक विजेता कौन होगा ये तय ही होता नहीं दिख रहा था। लेकिन जब पेनल्टी शूटआउट में मुकाबला पहुंचा तो अर्जेंटीना ने बाजी मार ली और लियोनेल मेसी ने अपना सपना पूरा कर लिया। लियोनेल मेसी पहले ही ऐलान कर चुके थे कि ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप है और शायद यह फाइनल मैच अर्जेंटीना के लिए उनका आखिरी मैच भी होगा। ऐसे में इससे बढ़िया पल क्या होगा कि लियोनेल मेसी वर्ल्ड कप के आखिरी मैच में फाइनल खेले और अपनी टीम को चैंपियन बना दिया। अर्जेंटीना और फ्रांस दो दो बार वर्ल्ड कप जीत चुकी थी और अपनी तीसरी ट्रॉफी पर दोनों की निगाहें थी। फाइनल का पहला हाफ पूरी तरह से अर्जेंटीना के पक्ष में रहा, जहां फ्रांस बैकफुट पर नजर आया। उसके बाद 36वें मिनट में डी मारिया ने अर्जेंटीना के लिए दूसरा गोल दागा। पहले हाफ में अर्जेंटीना ने 2-0 से बढ़त बना ली थी। वहीं दूसरा हाफ आया तो फ्रांस ने कुछ दम दिखाया और असली जादू बिखेरा। किलियन एम्बापे ने, जिन्होंने 90 सेकंड के अंतर पर ही 2 गोल दाग दिए और अपनी टीम को मैच में बराबरी पर पहुंचाया। एम्बापे ने 80वें और 81वें मिनट में गोल दागा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, ये सबसे रोमांचक फुटबॉल मैचों में से एक के रूप में याद किया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप चैंपियंस बनने पर अर्जेंटीना को बधाई। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है, साथ ही शानदार जीत के लिए अर्जेंटीना और मेसी लाखों भारतीय प्रशंसक खुश भी है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने फ्रांस को बधाई दी। उन्होंने लिखा, फीफा वर्ल्ड कप में उत्साहपूर्ण प्रदर्शन के लिए फ्रांस को बधाई। उन्होंने फाइनल के रास्ते में अपने खेल कौशल से फुटबॉल प्रशंसकों को खुश किया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।